हेलो गाइस, आपको आसाम टायर हाउस पर स्वागत है। देखिए आज मशरूम पेस्ट कैसे मारा जाता है, मैं मशरूम पेस्ट कैसे मारा जाता है वो दिखाऊंगा आपको। ये कट है, ये देखिए बड़ा कट है, इसमें मशरूम पेस्ट मारना होगा। मशरूम पेस्ट किस तरह मारेंगे वही दिखाएंगे आपको। एक कॉट है, इसको रैमर करना होगा। ये मशरूम पेस्ट है, ये मशरूम पेस्ट फिट होगा इस पर। ये देखिए कितना बड़ा कॉट, कितना बड़ा कॉट हो गया है। इसी पे मशरूम पेस्ट फिट होगा। ये है कॉट, कॉट है, इस पे मशरूम पेस्ट फिट होगा। इसको ऐसे बैठा के राउंड दागी लगाना होगा चौक से। तेल का लेप है इसलिए चौक का दागी नहीं बिठाया है। इस तरह दागी मार लेना होगा। उसके बाद यहाँ बफिंग करना होगा, गेंडिंग से बफिंग मारना पड़ेगा। अभी इस पर बफिंग मारना होगा। इसको अच्छी तरह से बफिंग एकदम मिही से मारना पड़ेगा। इसका मेन बफिंग ही है, बफिंग जितना क्लियर होगा पेज उतने ही अच्छे से इस पर लगेगा। बफिंग हो चुका है बढ़िया से। अभी इसमें सोल्यूशन लगा के मशरूम पे सटना पड़ेगा, सटना होगा। देखिए मशरूम फाइल कंप्लीट हो गया है। अभी जबड़ा है, जबड़ा सबको निकालना होगा, अच्छी तरह सफ़ा करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर सोल्यूशन मारना पड़ेगा। देखिए जबड़ा, इसको अच्छी तरह से साफ करके निकालना होगा। अब इसको रेमरिंग करना होगा, सफा करना होगा, अच्छी तरह घुमा घुमा के सफा करना होगा, तब इस पर सोल्यूशन सही से पकड़ेगा। जितना ही सफा कीजिएगा उतना अच्छा से सोल्यूशन पकड़ेगा इस पर। अभी यहाँ अच्छी तरह सोल्यूशन लगाना होगा।
चारों बगल अच्छा से सोलेशन लगा के 10 से 15 मिनट सूखने देना होगा इसको। उसके बाद पेस्ट सकना पड़ेगा इसमें। देखिए सोलेशन अच्छा से लग चुका है। जो होल है इसके होल में सोलेशन पार करना होगा तब जाके वहाँ सटेगा। तार का आवाज, तार रिडल टायर है, अब इसको बाहर से सोलेशन डालना पड़ेगा। अभी यहाँ सोलेशन बाहर से डालना होगा। सोलेशन सूख चुका है, अभी मशरूम पेस्ट खोलना होगा। इसको खोल के इसको लगाना होगा। अब इस पर थोड़ा सा सोलेशन लगा देना होगा तब सिलिक होकर घुसेगा अंदर। देखिए कैसे मसूर पेस्ट लगाया जाता है। सोलेशन लग चुका है, अब इसको होल में ऐसे ठेलना होगा। देखिए इस तरह ठेलना पड़ता है। ये बाहर थोड़ा निकला है, अभी इसको टानना होगा। इसको बाहर से टानना होगा, अभी इसको प्लास से टानना पड़ेगा। देखिए इसको टान रहा हूँ। देखिए अंदर सेट किया है, अभी इसको पेस्टिंग करना होगा। इसको अच्छी तरह से पेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए इसको अच्छे से पुरोला बनना पड़ेगा चारों बगल। देखिए बढ़िया से पेस्टिंग हो गया है, सड़ गया है। इसको रोला से चारों बगल से बढ़िया से मार दिया है। जितने अच्छे से रोला मरिए उतना अच्छा से पेस्टिंग होगा। पेस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बाहर निकल चुका है, इसको अच्छे से टानना पड़ेगा प्लस से। अभी इसको छुरी से काटना होगा। अभी इसको मिला के चाकू से काटना होगा। देखिए इस तरह मिला के बराबर मिला के काटना होगा चाकू से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बनता है, लाइक कीजिएगा। हो चुका मशरूम पेस्ट पे। हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अरू सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला।